नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये है अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी रूमेटोलॉजी पे कई वीडियो बना चुके हैं। हमने प्लेन अर्थराइटिस पे वीडियो बनाया है, हमने गाउटी अर्थराइटिस पे वीडियो बनाया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसी श्रृंखला में मेरे को लगता है कुछ ही टॉपिक शेष बचे थे, जिसमें से एक ये भी था। तो हियर इट इज अ वीडियो ऑन द अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस। दोस्तों, जो मैं स्टडी करता हूं एक वीडियो को बनाने के पहले, जो कि हर वीडियो के पहले हमको थोड़ी करनी पड़ती है, उस स्टडी में मेरे को एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज सामने आई है कि आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस को लेके मॉडर्न मेडिसिन का जो व्यू है वो टोटली बटा हुआ है। पहली चीज, इसका मेन कारण किसी को नहीं पता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज कि लोगों को आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस हो जाता है। व्हाट इज आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस? जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, एंड डिफॉर्मेंस मतलब डिफॉर्मिटी के साथ, मतलब ऐसा आर्थराइटिस जिसके अंदर ज्वाइंट्स की डिफॉर्मिटीज आने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसको देखने के लिए हम दूसरी स्क्रीन पे बस 2 सेकंड के लिए जाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस। जैसा कि आप इस एक्सरे के अंदर देख पा रहे हैं कि इनकी एक उंगली मुड़ रही है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी 1 2 3 4 चारों की चारों जो उंगलियां हैं ये हैंड के ज्वाइंट की ये मुड़ रही हैं। दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे और क्लासिकल एग्जांपल हैं, और इन एग्जांपल्स के अंदर मुझे ये एग्जांपल सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी स्टडी के दौरान मुझे एक बड़ी आश्चर्यचकित बात पता चली कि इसका खुद के होने का एग्जैक्ट कारण साइंस को नहीं पता है, और पूरी की पूरी मेडिकल फिटर्निटी जो है दो खेमों में बटी हुई है। एक जो मेडिकल फिटर्निटी है वो ये मानती है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मॉडिफाइड रूप है, और दूसरी मेडिकल फिटर्निटी, दूसरा जो ग्रुप है डॉक्टर्स का या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स का, वो ये मानता है कि आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से संबंधित। तो हम लोग ये शुरू से समझते हैं कि आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस इन इटसेल्फ इज अ इंडिविजुअली क्लासिफाइड डिजीज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में सैकड़ों केसेस देखे होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिनमें से एक भी पेशेंट को जॉइंट की डिफॉर्मिटी नहीं थी, और हमने सैकड़ों से ज्यादा केसेस देखे हुए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोस्तों, उसमें भी किसी भी पेशेंट को कोई जॉइंट की डिफॉर्मिटी एटलीस्ट नहीं थी। तो होम्योपैथिक फील्ड का, हमारे पायनियर्स का, और इनफैक्ट मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस इज अ इंडिविजुअलिस्टिक डिसऑर्डर। ये अपने आप में एक स्पेशल क्लासिफाइड टाइप है काय का, आर्थराइटिस का। एक ऐसा आर्थराइटिस है जिसके अंदर व्हेनेवर द जॉइंट इज गॉट अंडर द इन्फ्लेमेशन वो जॉइंट बैंड होने लगा है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि ये जॉइंट बैंड होने लगते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, वापस से मैं दूसरी स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं आपको, कि अब आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर आप गौर से देखें तो इस पेशेंट की बोन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। इसकी देखिए, ये हड्डी बिल्कुल अलग समझ में आ रही है और ये हड्डी दोस्तों अलग समझ में आ रही है। दिस इज नॉट द बोनी डिफॉर्मिटी। मैं यहां पे ये आपको पैथोलॉजी समझाने के पहले मैं आपको इसलिए लाइव एक्सरे दिखा करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई बोनी डिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि जब भी जॉइंट बैंड होता है बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हड्डी मुड़ रही है। जी नहीं, हड्डी नहीं मुड़ रही है, जॉइंट मुड़ रहा है। अब आप एक मैं एग्जांपल सीधा सा आपको दे रहा हूं और आप उससे मैं इसकी पैथोलॉजी क्लियर करता हूं, पैथोफिजियोलॉजी कि मान लीजिए ये मेरा एल्बो है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज माय एल्बो, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज माय एल्बो, ठीक है ना। अब मेरा एल्बो एकदम सीधी ज्योमेट्रिकल लोकेशन में क्यों है, एकदम सीधा क्यों है? क्योंकि मेरा एल्बो एक जॉइंट है, यहां पे नीचे दो हड्डियां हैं, ऊपर एक हड्डी है, ये ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस है और यहां पे रेडियस और अल्ना है, और इस जॉइंट को बना रहे हैं लिगामेंट्स। यहां से यहां पे लिगामेंट आ रहा है, यहां से यहां पे लिगामेंट आ रहा है, मतलब इसके दोनों तरफ, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये जॉइंट कैसे बना है? ये लिगामेंट से बना है। कॉमन सेंस लगाइए ना दोस्तों, इस जॉइंट को टेढ़ा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसको टेढ़ा करने के लिए इकलौती रिक्वायरमेंट है कि किसी एक तरफ का लिगामेंट या तो शॉर्ट हो जाए या दूसरी तरफ का लॉन्ग हो जाए, मतलब दूसरी तरफ, क्योंकि दोनों लिगामेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहे हैं।
एक जो है इन दोनों हड्डियों को यहाँ से तान के रखे है और एक यहाँ से तान के रखे है, फलस्वरूप मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई भी बोनी डिफॉर्मिटी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको टेढ़ा करने के लिए जो पहला और इकलौता रिक्वायरमेंट है कि किसी एक तरफ की टेंडन या लिगामेंट है ना, लिगामेंट शॉर्ट हो जाए या दूसरी तरफ का लॉन्ग हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जिस तरफ भी टेंडन शॉर्ट होगी मेरा जॉइंट उस तरफ जाने लगेगा, या फिर जिस तरफ की साइड में लेंथनिंग ऑफ लिगामेंट हो जाएगा जॉइंट उस दूसरी अपोजिट तरफ जाने लगेगा। क्योंकि अगर ये लंबा हुआ या फिर ये शॉर्ट हुआ तो जब ये शॉर्ट होगा तो ऑब्वियस बात है मेरे जॉइंट को इस तरफ डेविएट करेगा। तो दोस्तों यही मैकेनिज्म होता है अर्थराइटिस का डिफॉर्मेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स बेसिकली होती है संधि, जॉइंट का हिंदी के अंदर संधि होता है, और वो कुछ भी नहीं है कि अब ये मेरी उंगली दिख रही है आपको, अब ये वाला पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट है। तो यहां से एक छोटा सा टेंडन इधर आ रहा है, यहां से एक छोटा सा टेंडन इधर आ रहा है। अब ये दोनों टेंडन राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, जब ये दोनों के दोनों टेंडन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी दोस्तों उंगली सीधी रहेगी। पर अगर किसी कंडीशन में जिस तरफ का टेंडन शॉर्ट हुआ, और अगर ये शॉर्ट होगा तो ऑब्वियस बात है ये लॉन्ग हो जाएगा, और उस वजह से दोस्तों फिर ये जो सीधी उंगली है इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विल गोइंग टू गेट चेंज। जैसा कि आपने उस डायग्राम में देखा, जो एक्सरे मैंने अभी आपको दिखाया, वहां पे बंदे के साथ हो कार क्या रहा है कि उसकी सारी उंगलियां इस तरफ ऐसी तरफ मुड़ रही हैं। तो जिस तरफ मुड़ रही है मतलब वहां पे शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन हो रही है, और वो टेंडन जब शॉर्ट होगी तो शॉर्ट होने की वजह से वो उंगली को अपनी तरफ डेविएट करेगी, एंड दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द पर्सन हैज द पैथोलॉजी ऑफ अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों यही होता है। अब आप बोलेंगे कि टेंडन शॉर्ट क्यों होती है, जहां तक हम लोगों का अनुभव है जब हम इसके ट्रीटमेंट में आएंगे तो मैंने एक चीज पाई और समझी है रिपर्टरी की स्टडी के बाद कि दोस्तों दोज इन मेडिसिंस विच आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस उनमें से 90% मेडिसिन गाउटी ओरिजिन की है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हमको मेडिसिंस की स्टडी करके कि जो मेडिसिंस से ये बीमारी सही होती है या फिर जो मेडिसिंस लिखी हुई हैं रिपर्टरी के अंदर ऑन द रूब्रिक ऑफ अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, तो दोस्तों उन मेडिसिंस में से 90% मेडिसिंस जो हैं वो गाउटी ओरिजिन की, और मेरा भी ऐसा मानना है कि इट इज अ गाउटी डिसऑर्डर। ये गाउट का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसके अंदर गाउट जो है वो लिगामेंट और टेंडन के अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, एंड ड्यू टू डिपोजिशन of that uric acid in the tendon or ligament, जो ligament और tendons होते हैं जो joint को बनाते हैं वो या तो short हो जाते हैं या long हो जाते हैं। देखिए बात वही है, या तो मैं इस तरफ वाले को short कर दूं तो मेरी उंगली इस तरफ मुड़ जाएगी, या फिर इधर वाले ligament को मैं lengthen कर दूं मतलब लंबा कर दूं, तो जब ये लंबा होगा तो obviously है इस तरफ वाला short होगा और उंगली deviate हो जाएगी, and this is the mechanism how the person suffering from the arthritis deformment have the deformity in their ज्वाइंट, क्योंकि यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है टेंडन्स के अंदर लिगामेंट्स के अंदर। ये एक प्रकार की टेंडिनाइटिस की स्थिति बनती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिगामेंट की स्थिति बनती है, और जब वो लिगामेंट के अंदर उसका डिपोजिशन होता है तो लिगामेंट और टेंडन्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वहां पे हार्डनिंग और फाइब्रोसिस की प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं जब भी फाइब्रोसिस होता है तो रिग्रेशन मतलब कॉन्ट्रेक्चर्स आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, और इसी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, इसी फाइब्रोसिस की वजह से टेंडन्स और लिगामेंट या तो मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट हो जाते हैं या फिर बहुत चुनिंदा केसेस में लॉन्ग हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है एक जॉइंट का वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, एलोपैथी की बात करके कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, कोई इलाज नहीं है, फोकट की दवाएं देते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, पेशेंट की हालत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराबी होती है, कोई बात नहीं करेंगे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ arthritis deformens are the first one is the guaiacum officinalis। जी हाँ, guaiacum officinalis 30 potency में चार चार गोली दिन भर में तीन बार, and the second medicine is the benzoic acid 200। जी हाँ, benzoic acid 200 चार चार गोली दिन भर में तीन बार। और अब हम समझते हैं what is the priority of the treatment। If the case of arthritis deformens is in its
इनिशियल स्टेज कि बिल्कुल डिजीज स्टार्ट हुई है, बिल्कुल हल्का सा डेविएशन आया है, तो दोस्तों ये जो दो दवाएं हैं इसको 2 से 3 महीने का सेवन करेंगे तो वो डेविएशन भी चला जाएगा क्योंकि डिजीज स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, एकदम चालू हुई है, ताजी है और उंगलियां बिल्कुल सही हो जाएंगी और बीमारी खत्म हो जाएगी। बट इन दोस केसेस जो कि बहुत क्रॉनिक हो चुके हैं, जिनको कई साल हो चुके हैं, जिनकी उंगलियां सारे हाथ पैर आड़े टेढ़े हो गए हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, वहां पे दोस्तों प्रायोरिटी यह है कि हमको उस बीमारी को उसी पॉइंट पे रोकना है जिस पॉइंट तक वो आ जा चुकी है। क्योंकि अगर किसी का एक हाथ अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस से एक हाथ अफेक्टेड है या फिर एक उंगली अफेक्टेड है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आगे बीमारी बढ़ेगी, आगे वो दूसरे हाथ में भी जा सकती है, हाथों को छोड़ के स्मॉल ज्वाइंट को छोड़ के लार्ज ज्वाइंट पे भी जा सकती है और इस मरीज को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो इन द केसेस दोज आर द वेरी एडवांस्ड एंड क्रॉनिक, वहां पे हमारा प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट है कि हमको बीमारी वहीं पे ही स्टॉप करनी है कि बीमारी आगे ना बढ़े। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस पे, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।